यूपी में विधानसभा चुनाव आया है, जनता को मौका मिला है सरकार के कामों का हिसाब किताब करने का। मैं इस समय गाजियाबाद के सौदा गांव में हूं और यहां पर कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं। तब क्या लग रहा है, पिछले 5 साल में कितनी तरक्की आई देश में? देखिए, बाह्य देश के बाह्य और आंतरिक क्षेत्र में देश ने क्या तरक्की करी। जो प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में अपने संपर्क बैठा गया, हमारी सामरिक शक्ति बढ़ाई है, आज तक किसी ने नहीं करी। इस क्षेत्र में देश ने तरक्की करी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, लेकिन आंतरिक स्थिति डगमगा रही है। नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, पढ़े लिखे फिर रहे हैं, रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है। तरक्की तो जब हो, जब रोजगार हो। हर परिवार की तरक्की रोजगार से, रोजगार है नहीं तो तरक्की कहाँ है। बाहर मुंह उजला कर लिया और घर में स्थिति खराब, देख रहे हो आप ना, देख रहे हो मक्खी मार रहे हैं बाजार के अंदर सेठ लोग, छोटी छोटी दुकान वाले, उद्योगपति और व्यापारी, देश देशांतर के व्यापारी मौज मार रहे हैं। किसान, किसान का किसान तो अपना कर रहा और खा रहा है जी, खुशी है। मैं खुशहाल तो इतने ना, अभी तो गेहूँ भी ना बोए, प्रकृति की मार होगी, पानी ना सुखवा भी खेतों में, किसान भी परेशान है जी। आपको लगता है 22 में कुछ बदलाव आएगा यूपी में? संभावना सी है, श्याम दाम दंड भेद चारों नीति अपना का सत्ता बना लेगी। माहौल चल रहा है चुनाव का जी। तो उसमें अखिलेश जी और ये जयंत चौधरी मिल के, ये सब अपनी अपनी अब मुट्ठी बना रहे हैं कि मैं उसको घेर लूँ, उसको घेर लूँ। अभी मुसलमानों का, चमारों का, जाटों का और मुसलमानों का भिड़ा रहे हैं, सब ऐसी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना अपना। लेकिन मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ होता तो है नहीं, दलित मुसलमान इकट्ठा नहीं होगा, नहीं मुश्किल है। मुसलमान भी इकट्ठा ना होगा और जाट भी इकट्ठा ना होगा, ना चमार होगा, जाट भी ना होगा, ना होगा भैया। और ये सब जाट कह रहे हैं कि हम तो जयंत हो जाओ, क्या हो जाओ भैया जी, क्या हो जाओ, मैं नहीं मानता। और जब मैं मान जाऊंगा तो मेरी परेश की दुकान है छोटी सी, मैं लंगड़ा आदमी, मेरा आके गोली मार देना यहाँ। अगर मंदिर यूपी के बदल दे तो जनता भी बदल देगी। धर्म कहना, धर्म आड़े क्यों आवे चुनाव में? आड़े कहाँ, वो तो हवा देने के लिए, हवा देने के लिए तो हवा में ही चलेंगे वोट। अब बैलेट पेपर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बैलेट पेपर तो ना हो। हाँ ना हो, ना हो तो बाबूजी दबा रहे हम साइकिल पर, वोट लगेगी हमारे कमल के फूल पर। जो मशीन है ना, मशीन में जो है उसमें बटन दबा रहे भी, उसका चिपोला जुगाड़ है इसमें, जो है चिपोला जुगाड़ है इसमें। तो वोट गिरेंगे किसकी, वोट जाएगी किसकी, वोट तो बीजेपी की, बीजेपी की। कहने का मतलब इनका ये है, फ्रॉड है कुछ भी ईवीएम में। हाँ, ईवीएम में फ्रॉड है, पकड़ी जाती है, खूब पकड़ी जाओ, ईवीएम में फ्रॉड है। लेकिन उसमें जो है देखो, गवर्नमेंट का खर्चा जब भी इतना ही आता, बैलेट पेपर से कराओ उसे क्यों कराते, ईवीएम से कराओ बैलेट पेपर से क्यों कराते। जब कोई भी पार्टी निष्पक्ष है, निष्पक्ष होने के साथ साथ भाई हम लोग कह रहे हैं हम चोर नहीं है, तो सारी बढ़ावा कर रहे हैं, हम चोर नहीं है, जैसे तुम आप चाहोगे वैसे करा लो, तो इस बात का निर्णय क्यों नहीं करती है। अच्छा, अगर ये कहा गया कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा, अखिलेश यादव ने भी माना, बीच में जो छोटे छोटे चुनाव हुए, जो उपचुनाव हुए, उसमें कहीं कहीं आरएलडी भी जीती, कैराना में भी जीती। ये छोटे छोटे चुनाव क्या होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इनके अधीन होते हैं। अब प्रमुखी के चुनाव है या इसके जिला अध्यक्ष के चुनाव है, इसमें तो गुंडागर्दी बहुत है। सुनो, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के होते हैं, जैसा चाहेगी स्टेट गवर्नमेंट वैसा करा लेगी। जनता का यकीन उठ गया है, लेकिन चुनाव निर्वाचन आयोग को, जैसे वे कौन से हैं, एन गोपाल स्वामी है, हैं जैसे चुनाव उन्होंने कराए है एन गोपाल स्वामी ने, ऐसे निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए कोई भी हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना तो भाजपा की निष्पक्ष आवे, ना इसकी सपा वालों की आवे अखिलेश जी की, ना आवे तुम्हारी मायावती जी की, ना आवे कांग्रेस जी का, तो कहीं इतना अस्तित्व है ही नहीं। मैं आपसे बताऊँ, उत्तर प्रदेश में 3 दल हैं,
आपका ये होगा अखिलेश जी का, मायावती जी का, ये मिलकर सरकार बनाएंगे, योगी जी का, तो ये तीन दल है। तीन दल जो है अब के इस बार जो है किसी की भी इनकी निष्पक्ष सीट नहीं आने वाली है, अकेले नहीं आएंगे बहुमत में, ये मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो ये है गाजियाबाद, मिलते हैं अगले गांव में। मैं आज गाजियाबाद के पतला गांव में हूं, जिसे मिनी छपरौली कहा जाता है, ये जाट लैंड है। और बात करते हैं लोगों से कि 2022 का जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। 2022 में कि नमें बीजेपी नहीं आएगी। क्यों जी? क्योंकि हम देंगे आरएलडी को, राष्ट्रीय लोक दल को, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया किसान को, कहना 35 रुपये दिए हैं पूरे 5 साल में, औसतन कहना में 7 रुपये पर साल का औसतन गन्ने का रेट बढ़ा है, तो किसानों क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, विकास तो किया है ना? क्या विकास किया उन्होंने? अरे अभी तो शाकुंभरी देवी के नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एयरपोर्ट दे दिया। जितना भी विकास किया है वो बुलंदखंड में किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। ये दोनों चीजें तो यहीं पे बन रही है ना, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो सहारनपुर। क्या किसान के नाम एयरपोर्ट पे जाएगा? क्या किसान हवाई जहाज में बैठ पाएगा? जब किसान को गन्ने में गन्ने का रेट नहीं मिल पाएगा तो क्या किसान हवाई जहाज में बैठ पाएगा? 2014 का, 2017 का, 2019 का चुनाव, चुना किसने था इसको ये बताओ? हम ही ने चुना था। इतनी देर में समझ में आई? हम ही ने चुना था, लेकिन जब विकास ही नहीं कर पाए तो हम अदरवाइज पार्टी तो चुनेंगे। लगता है कि जयंत जी बना लेंगे सरकार? जयंत नहीं तो सपा के साथ तो गठबंधन हो चुका है। अच्छा, आप ये बताओ गन्ने का पेमेंट मिल रहा है? गन्ने का पेमेंट 1-1.5 साल लेट मिलता है। मिलता है? मिलता तो है मगर लेट मिलता है, उसका क्या फायदा है? 14 दिन में पेमेंट करती है यूपी की सरकार। कहीं नहीं मिला आपको? नहीं मिला? नहीं, किसी मिलने नहीं दिया अब तक। अरे 5 साल हो गई अभी तक नहीं मिला? नहीं, मिलता है, एक साल बाद मिलता है, 1-1.5 साल बाद मिलता है। गन्ना आज गिरो अगले साल मिलेगा ऐसे? हाँ, 1-1.5 साल बाद मिलता है। तो सरकार ने कहा था कि 14 दिन में देंगे। सरकार ने तो आय दुगनी करने का भी वादा करा था, आय दुगनी हुई। 12 का बिल माफ नहीं करा, 12 का बिल माफ करेंगे, जो है जैसा पंजाब में है उसी तरह पे करते, बिजली का भी माफ करना, तो बिजली 12 का माफ नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ तो साहब, बार बार वोट दे रहे हो, बार बार वोट दे रहे हो, समझ ही ना पा रहे कि क्या मान रही है सरकार क्या नहीं मान रही है। सरकार तो ठीक कार्य कर रही बैठी है जो है, और अब की बार बीजेपी यहाँ से भी जयंत में कोई सीट नहीं निकलेगी, 1-2 सीट निकल सकती है यूपी में। ये भाई साहब कह रहे हैं क्यों भैया? ये तो कुछ और बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं ऐसा जी, ये बीजेपी वाले हैं, मैं लोकदल का हूँ। अच्छा, लेकिन हमारा पास का यहाँ गांव में बैठ के भाईचारा है। लोकदल वालों ने क्या किया? लोकदल के आते भ्रष्ट नेता बाढ़ का झगड़ा करवा पैसे लिए बीच में। तो अभी तो बहुत दिन से लोकदल सरकार में नहीं है। नहीं, सरकार में यहाँ तो है तटपूंजी नेता कामों में, जो हम जयंत के साथ बैठे थे और हमने मंत्री रिपोर्ट करवाई, वो करवाया, ये अपनी नेतागिरी दिखाया कामों में। सरकार नहीं बना पाएंगे जयंत जी? अजी जयंत की सरकार न बने, यहाँ तो योगी की सरकार बनेगी, और हम तो बीजेपी के साथ जीते हैं। जब कभी रमेश तोमर 3 बार सांसद हुआ था, जब से बीजेपी के साथ है। कह रहे हैं बीजेपी ने बड़ा नुकसान किया किसान, बीजेपी ने ना करे, बीजेपी ने सुधार दिया सारा। ये तो मानने को तैयार नहीं है कि सरकार ने जो वादा किया था 14 दिन का, कहाँ उस वादे पर पूरा कहाँ हुआ है? 14 दिन वादा कभी पूरा नहीं करती कोई भी सरकार, नहीं करती। जो कोई 14 दिन का कहता है, कोई 1 महीने का कहता, लेकिन पेमेंट कभी प्रॉपर नहीं होता, पेमेंट 1 साल बाद ही होना। ये निजीकरण की जो सरकार है ये अच्छी नहीं है। 22 में क्या करोगे? 22 में हम तो बदलाव करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। बार बार वोट दिए जा रहे हो बीजेपी को, अब जाके याद आया है कि साहब आपके जो दे दी थी दिन दे दिवाली, आगे कोई वोट नहीं मिलेगी, आगे नहीं दोगे? अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये डीजल नहीं नीचे आता, 10 के दाम नहीं घटते। तो अब खुश तो होना चाहिए आपको। क्यों होना चाहिए? सब्सिडी के नाम में क्या सिलेंडर पे किसान सब्सिडी मिलती थी, किसको के नाम में मिल रही है क्या किसी को? सब्सिडी नहीं मिल रही ना। पहले किसी को लगाना और फिर उसमें चीज को हटाना, के नाम उसको चीज गड्ढे में गिरना। कितने हाईवे बनवाए अब से पहले मुलायम के राज में, कहीं चलने की जगह थी, कहीं जाने आ जा आ तो नहीं बनवाए। फिर इतने हाईवे, इतनी तरक्की, इतने इंडस्ट्रीज लग गई है, देखी योगी हो रही, और क्या चाहिए? ये मान लिया जाए कि जो तरक्की आएगी ये सब योगी, ये उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये मंदिर के विवाद से। नहीं, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, जब तरक्की होगी तो कीमत वोट ना देनी पड़ेगी, वोट भी देनी पड़ेगी। तरक्की करोगे, सड़कें बनाओगे और वोट लोगे मंदिर के नाम, मंदिर के नाम से भी दे देंगे वोट, क्या हो गया? मंदिर भी तुम्हारा ही है।
तो ये है गाजियाबाद का मोदी नगर। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।